मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का चुपचाप काम करने वाला। अच्छा वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी बहुत अच्छी है वो प्यारी सी और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? वो कॉप है, सीआईडी ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय। गुड मॉर्निंग। सर आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा काम को लेके। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे सिद्धार्थ कैसा है? ठीक है सर, बस अपने काम में थोड़ा बिजी है। मैंने उसे बात की थी, अच्छा लड़का है, काफी कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ सर, आज के जमाने का है, हर चीज को लेकर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे तुम्हारी पहचान, मतलब वो हमारे रिश्ते में है या बस ऐसी जान पहचान होगी? एक्चुअली पापा के दोस्त का बेटा है। तो बस अच्छे दोस्त समझ लीजिए। मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? वो काम के सिलसिले में था, वो काम हो गया अभी, तो कोई बात नहीं। अभिजीत ने क्यों कहा कि उसने लेटर दे दिया है? टिकट, हेलो टिकट है? टिकट मैंने लिया था, कहाँ रख दिया मैंने? पैसे निकाल, टिकट ले। लिया मैंने टिकट लिया है, कहाँ रख दिया मैंने? इतनी देर से बैठा हुआ है बस में, टिकट ले, ये देखो। अच्छा ठीक है।
भाई साहब मुझे थोड़ा खिड़की की सीट पे बैठने दीजिएगा। भाई साहब प्लीज बैठने दीजिए। भाई साहब मुझे साइड में बैठने से उल्टी आती है, खिड़की की सीट पे बैठने दीजिए ना। तुमको बोल रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको भाग यहां से। जाता हूं ना, इतने भड़कते क्यों हो। आइए भाई साहब आप यहां बैठिए। कुछ ज्यादा ही नाटक है इसका, लगता है बस इसके बाप की है। मैं काफी पहले से देख रहा हूँ, हिला हुआ ये। अरे एक सीट तो मांगी थी, ऐसे रिएक्ट करा जैसे इसकी जायदाद मांग ली हो। देखो इसको, ऐसे आदमियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। मिल गई खिड़की वाली सीट है? पता नहीं क्यों ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। अरे क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने? मार दिया इसको! अरे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को! खोलोगे इसका? वरुण है, गला घोट कर जान ली गई है इसकी। अजीब बात यह है कि इसका हत्यारा अरविंद वहां सामने मरा पड़ा। इसका खून करने के बाद वो बाहर भागा और सामने आती गाड़ी से टकरा गया, वहीं मर गया। अच्छा, गाड़ी ने उड़ा दिया। हुआ क्या था इनके बीच में? बड़ी छोटी सी बात थी सर। अरविंद उस खिड़की वाली सीट पे बैठा था, फिर ये वरुण चढ़ा और इसने भी वहीं बैठने के लिए कहा। अरविंद ने मना किया, वरुण ने उसका मजाक उड़ाया और बातों ही बातों में बात यहां तक पहुंच गई सर। कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए फोन कर दिया। दरअसल इस रूट पे ये ऐसी दूसरी वारदात है सर। पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार का अपराधी विनोद सर गुस्से में आके उसने एक आदमी की जान ले ली, फिर वहां की भीड़ ने जब उसको पकड़ना चाहा तो वो भी सड़क की तरफ भागा और सामने आती गाड़ी के सामने कूद गया, वो भी मर गया। पुलिस ने कहा कि ये गुस्से में किया गया मर्डर है और आत्महत्या का केस है, पुलिस ने फाइल बंद कर दी। अच्छा, पता चला ये दोनों कौन लोग हैं ये? हाँ सर, वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर था और अरविंद एक नामी पत्रकार था सर। ये सब मंजीत की आत्मा करवा रही है, उसकी आत्मा इस रोड पे घूम रही है और ये सब घटनाएं करवा रही है। सब कुछ मंजीत का किया धरा है, सब उसकी आत्मा खून की प्यासी बन गई है, आपके पीछे भी आएगी वो। चुप, निकलो यहाँ से, अपना काम करो जाके, जबरदस्ती लोगों को डरा रहे। सर आप माने या ना माने पर इसकी बात में सच्चाई है। क्या क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये सही कह रहा है सर। सर इस रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये सब मंजीत की आत्मा करवा रही है, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया। अब पिछले 3 महीने से इसे चालू किया गया और ये सब होना शुरू हो गया। ये सब अफवाह है, ये हम लोग नहीं मानते, समझे? इन दोनों के घर में जाके पता करना होगा इनका आपस में कोई कनेक्शन कोई संबंध। पंकज लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर हमने अरविंद का घर चेक कर लिया सर, उसमें और वरुण में कोई संबंध नहीं। अरविंद एक पत्रकार था और वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर, सर ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अजीब बात है पंकज, कोई इस तरह अचानक एक अजनबी को बेवजह क्यों मारेगा? अरविंद। हाँ सर। अरविंद इसकी मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है।
दिमाग में काफी खून भर जाने की वजह से। लेकिन ये ज्यादा खून बहने की वजह क्या हो सकती है सर? शायद एक्सीडेंट। जब ये बस से उतरकर सड़क पर भाग रहा था वो गाड़ी ने टक्कर मारी उसकी वजह से। लेकिन वहाँ लोगों ने बताया मरने से पहले इसका स्वभाव बदला था सर, ये और खूंखार हो गया था, इसका क्या कारण हो सकता है? ये जरूर चौंकाने वाला है, इट्स सरप्राइजिंग। एक बात है, इसके किडनी में जरा सा इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन इसका इसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। सर, सर अब तो बात पक्की हो गई है सर, सर मंजीत की आत्मा पाषाण रोड पे मंडरा रही है सर। पंकज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सच ये है कि किसी ने मंजीत की आत्मा की आड़ में ये खून किया है, ये खून। फ्रेडी, तुम्हें कुछ पता है ये अभिजीत कहाँ है? अभी तक तो ऑफिस नहीं है, कल क्राइम स्पॉट से उनका फोन आया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। अरे कहाँ थे यार तुम, कब से फोन ट्राई कर रहा हो, लग ही नहीं रहा। अरे वो कुछ विटनेस के चक्कर में फंस गया था, फोन भी रूठ गया यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मुझे भी तुमको कुछ बताना है यार। जी, मुझे यार मैंने श्रेया को लेटर नहीं दिया। क्या? मगर तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने उसे वो लेटर दे दिया। हाँ कहा था, लेकिन यार वो कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी जो तुम मुझे नहीं बता सके? हाँ बात कुछ ऐसी है यार कि क्या ऐसी बात? सर ये विनोद की पुरानी केस फाइल मिल गई। अब फाइल मिल गई, अच्छा है। ये विनोद एनजीओ चलाता था। बस स्टॉप पे किसी बात पे एक आदमी से हाथापाई हुई, विनोद बौखला गया और उसने ये छोटी सी बात पे खून कर दिया। हाँ सर, और जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे रास्ते पर भागे तो वो एक गाड़ी के सामने आ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल इसी केस के तरीके से, कमाल है, एक महीने के अंदर एक जैसे दो केसेस, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उर्मी, वो जो मंजीत की अफवाह फैली हुई है पाषाण रोड पे, इसका क्या चक्कर है, कुछ पता किया? हाँ सर, कुछ साल पहले उस रोड पर मंजीत नाम की औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी सर, तब से ये अफवाह फैली हुई है। कोई गुनहगार उस अफवाह का फायदा उठा रहा है, मुझे भी यही लगता है। कहीं विनोद का और अरविंद का कोई संबंध तो नहीं? पाषाण रोड चलते हैं, उस बस स्टॉप पे जहां से अरविंद ने बस पकड़ी थी। ये अरविंद रोज इसी स्टॉप पे जाता था ना? जी हाँ। Excuse me, एक मिनट। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। कल जो बस में हादसा हुआ था उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी पूछताछ करनी है। ये अरविंद है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, आप बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, कल ही आदमी इस सीट पर बैठा था और वो अपने मोबाइल से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था। सर मगर अरविंद की बॉडी पे या उसके आसपास हमें कोई फोन नहीं मिला था।
अच्छे से चेक किया था। एक्सक्यूज मी जी, भैया हम सीआईडी से हैं। पाषाण रोड पर कुछ दिन पहले मिस्टर विनोद की मौत हुई थी, उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। क्या आपको लगता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले विनोद थोड़े चिड़चिड़े या गुस्सैल हो गए थे? देखिए सर, हमें खुद यकीन नहीं होता। विनोद सर जैसा शांत और सरल स्वभाव का इंसान गुस्से होकर किसी का खून कर सकता है और उसके बाद खुद को खत्म कर सकता है। अच्छा, क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन समाज सुधार के काम में हर तरह के इंसानों से पाला पड़ता है। कौन कौन से मुद्दों पर वो काम कर रहे थे? पीने के पानी को लेकर लोकल ऑफिसर से लड़ रहे थे वो, और दूसरा औरतों को सही सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया था उन्होंने। और कुछ? सर, निकोली ऑयल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस किया था सर ने। निकोली ऑयल कंपनी? ओके, थैंक यू। हमें ये पता करना होगा कि अरविंद कौन से मुद्दे पर काम कर रहा था। हो सकता है विनोद और अरविंद एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आप बता सकती हैं वो एग्जैक्टली कहाँ की फोटो ले रहा था? हाँ सर, कल वो आदर्श नगर और सरोजनी नगर के बीच में कहीं फोटो क्लिक कर रहा था। सर, ये आदमी काफी कुछ जानता है। क्या जानते हैं भैया? सर, मैं इसी बस से रोज ऑफिस जाता हूँ और अरविंद भी इसी बस से जाता था। अरविंद के बारे में क्या बता रहे थे? अरविंद जिस बस स्टॉप से चढ़ता था उसी बस स्टॉप पे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किसके साथ? कौन था वो आदमी? नाम तो नहीं पता सर। आज इस बस पे बैठा हुआ है? नहीं सर, आज तो नहीं। कल जब ये हादसा हुआ था तो वो आदमी बस में था? कल तो था। चेहरा तो याद होगा ना अच्छे तरीके से? हाँ सर। गुड, पंकज स्केच बनवा दो। काबिन, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो। पता तो चले ही अरविंद इस चीज की फोटो खींच रहा है। सर, बस स्टॉप पे जिस बंदे का अरविंद से झगड़ा हुआ था। सर, स्केच को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा लेकिन कोई भी मैच नहीं मिला सर। सर, ये देखिए, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई। इसमें तो दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही है। एक मिनट, पॉज कर, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। और इसमें ज़ूम करो। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का मुद्दा तो विनोद के केस फाइल में था जिसके खिलाफ उसने कोर्ट में केस फाइल किया था। पंकज, अरविंद की फाइल लेकर आना। सर, ये देखो, तेल कंपनियों की धांधली, तेल में मिलावट के खेल का पर्दाफाश, गलत तरीके अपनाकर तेल के दाम बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन का। ये हो सकता है, इस निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिस चलना पड़ेगा। कौन है आप लोग? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के हमारे केबिन में घुसने की? सीआईडी, एक जांच के सिलसिले में आया हूं। ऐसी जांच? आप विनोद और अरविंद को तो भूले नहीं होंगे ना?
देखिए, हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, अब हर एक का चेहरा और नाम तो हम याद नहीं रखते। मगर ये दोनों ही आपकी कंपनी में काम नहीं करते थे। विनोद एक एनजीओ चलाता था जो सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करता था, और अरविंद एक पत्रकार था जो बुराई के खिलाफ लिखने से कभी नहीं डरा। लोगों ने आपके कंपनी के खिलाफ आवाज भी उठाई क्योंकि आपकी कंपनी तेल में मिलावट कर रही थी और गैर कानूनी ढंग से तेल के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में कोर्ट ने हमें बेगुनाह ठहराया। लेकिन सर, अरविंद और विनोद का खून हो गया है। क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ, आप शक के दायरे में, और गलती से भी ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। अरविंद और विनोद के बारे में क्या जानते? सर, विनोद ने कंपनी की धज्जियां उड़ा दी थी, उसकी वजह से जगमोहन जी को काफी नुकसान हुआ था और वो तेल के दाम भी नहीं बढ़ा पाए थे। सर, एक बार तो वो भेस बदल के कंपनी में घुस आया था कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, लेकिन पकड़ा गया सर, और फिर उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया था। इसे पहचानते? सर, ये तो रोहन है सर, हमारी कंपनी में ही काम करता है। किसी ने तो विनोद को उठा के बाहर फेंका था। रोहन? इस रोहन से तो मिलना पड़ेगा। नहीं रोहन, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन है आप लोग? CID। आतो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये सुन के मेरे हाथ पैर कांप जाते। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें डरू क्यों? विनोद बेचारा मर गया, पता है ना तुम्हें? किसी के मरने जीने से मुझे क्या करना है? एक महीने पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था कंपनी में। हाँ, वो कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढ रहा था, मेरे बॉस के कहने पर मैंने उसे कंपनी से बाहर कर दिया। इसमें गलत क्या है? और वो पत्रकार अरविंद, उसके साथ भी तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना? वो भी कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़पेपर में छापने वाला था, मैंने उसे कंपनी के बिहाफ बात करने की कोशिश की थी, और इसी बात को लेकर उसके और मेरे बीच में बस स्टॉप में झगड़ा हो गया। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। क्या बोला तुमने? क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा था? सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए कहा था ना। तुमको परेशानी हो रही है ना, तुम कहीं और जाके बैठो। हो रही है परेशानी, तभी तो बोला था ना वॉल्यूम कम करने को। तुम्हें परेशानी हो रही है ना, तुम जाओ वहां पे। तुम वॉल्यूम कम नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती हूँ। देखो देखो, तुम उसे बहस मत करो, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे ना तुम। बोलो ना, बचाओ, बचाओ, बचाओ। हम जानते हैं कि जिस दिन अरविंद की मौत हुई उस दिन तू उसी बस में था। ये बता, जब विनोद की मौत हुई तो तू कहां था? मैं याद दिलाने के लिए बता दूं, उस दिन 23 जून था और सुबह का टाइम था, मॉर्निंग, जस्ट टू रिमाइंड यू। हाँ, मैं कंपनी में ही था, ओवर टाइम कर रहा था। ठीक है, देखते हैं कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो, हेलो सैनी। क्या? ओके, क्या हुआ सर? पाषाण रोड पे एक और खून। पाषाण रोड, मंजीत की आत्मा सर।
सर इसका नाम गीता है। इसने अपनी साथ वाली पैसेंजर मीरा पे हमला किया और फिर खुद ही मर गई। अजीब बात है शे। पिछले दोनों केसेस में अरविंद और विनोद की मौत एक्सीडेंट से हुई, फिर इस केस में ये अपने आप कैसे मर गई? सर, सर मीरा को होश आ गया सर। डॉक्टर, क्या हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी। थैंक यू। मीरा जी, सिर्फ एक दो सवाल। क्या आप गीता को पहले से जानती थी? नहीं सर, आज पहली बार ही मिले थे हम लोग। पता नहीं छोटी सी बात पे ऐसे भड़क गई। वाकई चौंकाने वाली बात। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी ऐसा याद आ रहा है, कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट? हाँ सर, उसकी आंखों में वो वैश्यपन, इसे खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। ओके सर। सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विनोद, अरविंद और गीता तीनों अपने आप पे से कंट्रोल खो बैठे? यही दोष है, कुछ तो ऐसा है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा। देखते हैं, शायद डॉक्टर सालुंके के हाथ लग जाए। गीता की मौत का कुछ पता चल? हाँ, इस बार भी वजह वही है जो अरविंद के केस में थी। दिमाग में खून का ज्यादा बहा, ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज, कमाल है। इस बार तो गीता को कोई टक्कर नहीं लगी, किसी भी दुर्घटना में कोई चोट नहीं लगी, फिर अचानक ऐसा ब्रेन हैमरेज। गीता को भी किडनी इन्फेक्शन था। पहले हमने सोचा कि किडनी की नसों का कोई मामूली सा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बाद में जब अच्छी तरह से जांच की तो पता चला कि ये इन्फेक्शन किडनी की नसों से होता हुआ दिमाग की नसों तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब, ऐसे किसी भी इन्फेक्शन से किसी को ब्रेन हैमरेज कैसे हो सकता है? हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। किडनी के इन्फेक्शन के पेशेंट को एक खास किस्म की दवाई दी जाती है, एरेगेटोमाइसिन, और अगर ये दवाई उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो दिमाग की नसें पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दिमाग कमजोर हो जाता है, और कुछ खास रिएक्शंस पर दिमाग की कमजोर नसें फट सकती है, और इसीलिए ऐसे पेशेंट का दिमाग अचानक बदल सकता है। किसी जरा सी बात पर उसका स्वभाव अचानक बदल जाएगा। तो ये वजह है अरविंद और गीता के मरने से पहले यूं खूंखार हो जाने की। कोई तो है जिसने उन्हें वो दवाई दी, वो भी ज्यादा मात्रा में, ताकि इनके दिमाग की नसें फट जाएं और ये दोनों मर जाएं। पर ऐसा वो इंसान, वो शख्स हो कौन सकता है? कोई डॉक्टर या फिर मेडिकल शॉप? सर यही वो दुकान है जहां पे एरगेटोमाइसिन नाम की दवाई मिलती है। कहिए सर, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। सीआईडी? क्या जानकारी चाहिए सर? तीन लोगों की मौत हुई है जिन्हें आपकी दुकान से गलत दवा दी गई थी। क्या सर, हम कभी किसी को गलत दवा क्यों देंगे? देखिए, हमारे पास सबूत है। आपने एरगेटोमाइसिन 10% नाम की दवाई तीन लोगों को बेची थी, विनोद, अरविंद और गीता। सर मैं चेक करके बताता हूँ, आप लोग अंदर रहिए। ये देखिए सर, इन तीनों को एरगेटोमाइसिन 2% बेचा गया है, ना कि 10%। लेकिन हमारे पास फॉरेंसिक सबूत है कि उन्हें एरगेटोमाइसिन 10% दिया गया है। सच तो ये है कि आपने दवाई बेची 10% की और बिल बनाया 2% का। मैडम, हम ऐसा क्यों करेंगे? ना तो हम करप्ट हैं और ना बेमान। वो भी पता चल जाएगा। ये बताइए कि पिछले दो महीने में एरगेटोमाइसिन 10% का कितना स्टॉक था आपके पास? सर एक्चुअली ये दवा कम बिकती है, इसलिए हमने इसकी 20 बोतल मंगाई थी। और बेची कितनी? सर 8 बोतल। तो आपने 20 मंगवाई, उसमें से 8 बेच दी, उस हिसाब से आपके पास 12 और बॉटल्स होंगी। जी सर। राइट। जी सर। कहाँ रखते हैं अपनी ये दवा? आइए सर, दिखाता हूँ। सर ये तो 9 ही बॉटल हैं। जी 9 बॉटल्स हैं।
अब सर ये बताइए कि बाकी की तीन बॉटल्स कहाँ गई? सर मुझे नहीं पता, क्योंकि काउंटर सुधांशु संभालता है, वो दो दिन से नहीं आ रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है सर, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। सुधांशु कौन है? मेरे यहाँ काम करता है सर। इसका नंबर और एड्रेस दीजिए मुझे। जी सर। जी डॉक्टर साहब, जी पता चल गया, उन तीनों को यही दवा दी गई थी। और इतना ही नहीं, इसको फिरामिन नाम के सॉल्ट का इंजेक्शन भी दिया गया था, जिससे इस दवाई का असर काफी तेज हो जाता है, जिससे दिमाग की नसें एकदम पतली हो जाती हैं, फट जाती हैं और दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उसी वक्त जब खूनी चाहता हो। और डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों को होने में तकरीबन कितना वक्त लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट बस। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमें बस ये पता करना होगा कि वो कौन है जिसने विक्टिम्स को फेरामिन का इंजेक्शन दिया और जिसकी वजह से उन्हें ये अटैक आया। सर पता नहीं आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं सर। सर मुझे कुछ भी याद नहीं सर। आगे चलो, तुम्हारी याददाश्त सब वापस ले आएंगे। तो तुम कहां बैठे थे? सर मैं यहां बैठा था। बैठो यहां पर। अब बताओ अरविंद कहां बैठा था, क्या कर रहा था और उसके साथ कौन था? सर मैं यहां बैठा हुआ था और अरविंद वहां पे बैठा हुआ था। वहां खिड़की के पास? हाँ जी सर, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता सर, मैं कह रहा हूँ आपसे। सर मैं बताऊँ? हाँ बोलो। उस दिन ये बच्चे अरविंद की आगे वाली सीट पे बैठ के फोटो निकाल रहे थे। ये बच्चे? हाँ सर। आप हमें वो पिक्चर्स दे सकते हैं जो दो दिन पहले आपने इसी रास्ते पर खींची थी? मैंने खींची थी, आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी आप ही ने शूट किया है? आप हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? जी सर। थैंक यू। देखो सर, काफी देर से कुछ हरकत कर रहा है। सर ये तो बस से उतर गया, घटना वाली जगह से 2 स्टॉप पहले। लेकिन इतना समय काफी है इस फेरामिन सॉल्ट को अरविंद के शरीर में असर दिखाने के लिए। एक मिनट पंकज, रिवाइंड करके फिर से प्ले कर। कोई छोटा सा डांट या कोई नुकीली चीज मारी उसने अरविंद की तरफ, जो उसके शरीर में चुप गई और चला गया वो सॉल्ट अरविंद की बॉडी में। हेलो, क्या? ठीक है, थैंक्स। उस केमिकल फैक्ट्री का पता चल गया है जहां पे ये फेरामिन सॉल्ट बनाया जाता है। नाम क्या उस कंपनी का? जी सर, सिर्फ हमारी कंपनी बनाती है फेरामिन सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है सर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फेरामिन सॉल्ट आपने किन किन लोगों को बेचा था? एक मिनट, चेक करके बताता हूँ। जी पिछले 2 महीने मैंने 30 लोगों को बेचा ही। इनको देखिए, क्या वो 30 कस्टमर्स में से ये भी एक थे? हाँ ये भी है, इसका नाम मनोज है, ये हमारा कस्टमर है। इस मनोज का फोन नंबर और एड्रेस है आपके पास? जी हाँ है, एक मिनट देता हूँ। जी सर ये रहा उसका फोन नंबर और एड्रेस। आपकी कभी मनोज से फोन पर बात हुई है? हाँ हुई है सर। तो फिर आप फोन नंबर ही दीजिए, क्योंकि एड्रेस तो उसने गलत ही दिया होगा और इस फोन नंबर के जरिए हम उसका असली एड्रेस पता कर लेंगे।
अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। अपना बॉस बड़ा दिल वाला है, कुछ ही दिनों में हम सब करोड़पति हो जाएंगे। एक बात अच्छी तरह से सुन ले मनोज, अगर मेरे हिस्से में से कोई घपला हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, अपना बॉस जबान का बड़ा पक्का है। बस खेल सर, नंबर यहीं पे ठीक है। करण चार्ज। अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। मनोज को गोली दे रहा है तू? हम जानते हैं कि तुमने उन लोगों को सॉल्ट के इंजेक्शन दिए थे खून करने के लिए। हाँ दिया था, तो क्या कर लेगा तू? पे जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे, ढूंढते हैं। पंकज मनोज की बॉडी चेक कर। सर। आशिता। सर किसी कंपनी के पेपर्स मिले हैं। कंपनी के ब्लू लाइन, ये किसकी कंपनी हो सकती है? देखते हैं। ये क्या, जमीन के कागजात? ये जमीन तो जगमोहन के नाम पर है। सर हमारे केस से जगमोहन की जमीन का क्या संबंध हो सकता है? सर वो तो भाग गया। सर सर इसकी जेब से फोन मिला सर, लास्ट मैसेज एक बॉस का है, उसने कहा है कि 5 बजे रचना बिल्डिंग पे मिलना। अब तो पता करना ही होगा ये बॉस आखिर है कौन। जगमोहन साहब, अपना ये नाटक अब बंद कीजिए, क्योंकि हम आपके सारे राज जान चुके हैं। सीआईडी, लगता है आपको हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही। गलतफहमी नहीं, सही फहमी। हम आपके पाषाण नूट वाली जमीन और ब्लू लाइन रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ। सर हमारी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है। आपकी कंपनी नहीं है मतलब? तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? आपसे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले जरा इन लोगों से निपट लें। कमाल है, इतना पिटने के बाद भी आ गए। चलो अच्छा है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मरने के लिए आए? दोस्त को भी लायो? अच्छा है, मरते वक्त दोस्त साथ होने चाहिए। गुड, वेरी गुड।
राकेश तुम? लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं इस अंदाज में मिलूंगा तुमसे। सीआईडी का भी अपना अंदाज है, सबसे अलग। ज्यादा पावर के इंजेक्शन दिए थे ना तूने? तुझे पता चलेगा असली पावर क्या होती है। जमीन के कागजात मेरे हवाले कर। जमीन चाहिए ना, मैं देता हूं तुझे सस्ते में। इससे पहले कि हम तुझे और तकलीफ दें, सच बोलकर तुम अपनी तकलीफ कम कर सकते हो। बोलो। ब्लू लाइन कंस्ट्रक्शंस मेरी ही कंपनी है सर। फर्जी कंपनी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, जगमोहन की जमीन किसी तरीके से हड़पना। हाँ सर, मैंने कर्जा लेकर उस जगह पर बहुत पैसे खर्च किए डेवलप करने में, लेकिन इन लोगों की डरावनी अफवाहों की वजह से कोई भी उस जगह कुछ बनवाना नहीं चाहता, ना ही कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता। मंजीत की आत्मा की अफवाह है, उस रूट पे खून करने शुरू कर दिए और बलि का बकरा बनाया विनोद, अरविंद और गीता को। हाँ, क्योंकि विनोद और अरविंद जगमोहन के तेल के मामले से जुड़े हुए थे। मैंने सोचा अगर राज फाश भी हो गया तो सारा शक जगमोहन पे ही रहेगा। और फिर जब जगमोहन बर्बाद हो जाए तब तुम उसकी उस जगह को बड़ी आसानी से कम दामों पे हड़प सको। निर्दोष लोगों के दिमाग की नस फाड़ के खून करवाया तुम लोगों ने, अब फांसी के इंतजार में तुम्हारे दिमाग की नस ना फट जाए ये दुआ करना। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। माँ, बात कुछ ऐसी है कि मैं। सर, मुंह मीठा कीजिए। हाँ सर, अभी ले लो। किस खुशी में? श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। अरे सब लोग लड्डू ले लो भाई, अरे ले लो लड्डू, ले लो लड्डू। Congrats. Thank you. Congratulations. और तुम्हें भी श्रेया। अच्छा सर, वो मैं बताया था ना आपको अपने सपनों के दुल्हन के बारे में, कॉप है करके, अब ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे।
तुमने बहुत सही फैसला लिया है सिद्धार्थ। श्रेया तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। अच्छा सर, आप वो बता रहे थे ना, आपके सपनों की मलिका, तुमने अपने प्यार का इजहार कहा कि नहीं करा उससे? सच में यार, कभी कभी वक्त ही नहीं मिला बताने का। तो तुरंत जाओ अभी के अभी को, क्योंकि इस काम में देर नहीं करते, वरना दिल की बात दिल में रह जाती है। नहीं सिद्धार्थ, शायद काफी देर हो चुकी है। अरे दोस्त, तो आपको अभी तुरंत जाना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है। एक मिनट, हेलो। अरे थैंक्स थैंक्स। हाँ नेक्स्ट मंथ आना जरूर। हाँ yeah. हाँ अरे देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। समझने और समझाने का वक्त खत्म हो गया अभिजीत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.